नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स का, अदानी पोर्ट्स, मेजागॉन डॉक और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों ही स्टॉक्स शिप्स एंड पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो हम इन स्टॉक्स की न्यूज़ को देखेंगे और चार्ट के माध्यम से इनके टारगेट प्राइस को एनालाइज करेंगे। इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ही अलग अलग पैन नंबर से अगर आपके पास अकाउंट्स होंगे तो आने वाले IPOs में आपके सब्सक्रिप्शन की चांसेस बढ़ जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, हम SEBI रजिस्टर्ड नहीं है, और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अदानी पोर्ट्स में क्या न्यूज़ चल रही है उसको देखना चाहूँगा। तो अदानी पोर्ट्स का ने अनाउंसमेंट किया है 16 तारीख को कि ये 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र में न्यू गेटवे बनाने के लिए। और साथ ही दोस्तों, इन्होंने डीजी पोर्ट लिमिटेड में भी अपने 705 करोड़ का एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। ये इन्होंने कई लास्ट ईयर मार्च में अनाउंस किया था कि ये ऐसा करेंगे और वो अब कंप्लीट हो गया है। इसी वजह से दोस्तों, जैसे ही इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट किया है, इसमें 5% की और बढ़ोतरी हो गई है। सिटी ने इन्हें बाई की रेटिंग मेंटेन की है और 715 रुपये पर शेयर का टारगेट दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये अभी 715 से कितनी दूर है चार्ट पे। तो दोस्तों, अभी इसकी स्टॉक की प्राइस है 464 रुपये, तो 715 के प्राइस से ये थोड़ा सा दूर है। तो आइए, तो अगर हम दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे तो देखेंगे इस स्टॉक में गजब की तेजी ही रही है, रेगुलर अप ट्रेंड में रहा है। और दोस्तों, अगर हम इसका 2000 दिसंबर के बाद से देखेंगे, यहाँ पे तो इसने काफ़ी एक्यूमुलेशन जोन में भी लाए, लेकिन यहाँ पे देखिए 24 नवंबर 2020 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से तो इस स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया है। तब ये स्टॉक 374 रुपये का था और आज ये स्टॉक हमारा 664 रुपये का हो चुका है। तो ये देखिए, पिछले 3 से 4 महीनों में इस स्टॉक ने क्या गजब की तेजी दिखाई है। और ये स्टॉक देखिए, ढंग से देखिए तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे गिरा और यहाँ पे गिरा, बस दो ही बार इसने थोड़ी थोड़ी डाउनफॉल आया है, वरना ये स्टॉक रेगुलरली आपका अप ट्रेंड में ही रहा है। तो इस प्राइस पे हमें इस स्टॉक्स में खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेरा मानना है कि अगर आप सेफ इन्वेस्टर है तो आप रुक जाइए थोड़ा, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ, ये स्टॉक जो है अपने 20 डे के मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके चलता है। तो अभी के हिसाब से इसका 20 डे का मूविंग एवरेजेस अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ तो करीब ये इसको 600-620 के आसपास मिलेगा। तो अगर आपको ये स्टॉक 10% गिरावट में मिले अभी की प्राइस से, तो फिर आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये मन में है कि हमें मोमेंटम को कैप्चर करना है, तो फिर आप इसको प्राइस पे, करेंट प्राइस पे खरीद लीजिए। उसके लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं इसका पिछले 5 डेज का चार्ट देखूँ तो ये जो एरिया है आप कह सकते हैं 660 के आसपास का, यहाँ पे ये एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस और फिर इसने प्राइस को क्रॉस किया, बट फिर से अच्छे से वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको ये इस एरिया के ऊपर मिले, 667 के ऊपर मिले, थोड़ा सस्टेन हो जाए, तो फिर आप इसको शॉर्ट टर्म में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और इस केस में आप जो स्टॉप लॉस लगाइएगा दोस्तों, 650 के आसपास का लगाइएगा। और जो हम टारगेट्स इसमें, क्योंकि इस स्टॉक्स में ऐसी राइज आई है, तो हम इसमें 700-750 तक के टारगेट्स आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बट हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्टॉप लॉसेस को इसमें रेगुलरली मैनेज करना पड़ेगा अगर हमारे टारगेट्स अचीव होते जाते हैं, क्योंकि जो स्टॉक जितनी तेज़ी से भागता है उतनी तेज़ी से ही गिरता भी है। आइए दोस्तों, अब हम थोड़े और इंडिकेटर्स इस स्टॉक में लगा देते हैं। सबसे पहले मैं इस स्टॉक की RSI देखना चाहूँगा दोस्तों, तो वो हमारी आ रही है आप कह सकते हैं 70 के आसपास, तो ये स्टॉक ओवरबॉट जोन के करीब करीब वहीं पर चल रहा है, तो ये चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं MACD को देखूं, ये मैंने 3 मंथ के की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों MACD की बात करूं, तो यहां पे मैं MACD भी देखूंगा कि ये अभी जो इसका बुलिश क्रॉसओवर है, इसका फिर से आने वाला है। यहां पे काफ़ी टाइम तक बुलिश क्रॉसओवर चला था, बट फिर थोड़ा सा गिरा था, तो अभी आने वाला है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं 6 मंथ का चार्ट देखूंगा, तो वो बुलिश क्रॉसओवर इसका चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा इसमें प्राइस का वेट करे,
तो बेटर है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, अगर इसमें अच्छी बढ़ोतरी दिखी, आपको 665 से 670 के ऊपर मिले, तो आप मोमेंटम कैप्चर के लिए इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों मैं शिपिंग कॉरपोरेशन की बात करूं, तो इन्होंने जो 10 दिन पहले अपना रिजल्ट्स पोस्ट किया था, उसमें इन्होंने बताया था कि इनकी प्रॉफिट गिर गई है, 132 करोड़ बची है। उसके पहले वाले क्वार्टर में इनकी प्रॉफिट 295 करोड़ थी, इसी साल के पहले, इसी क्वार्टर में जो पिछले साल था 2019 के क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में। और लेकिन इसमें जो खास दोस्तों जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वो ये है, रिसेंट जो न्यूज आई है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने कहा है कि वो बिड करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, और कहा है कि हम इसको पूरा एक्वायर कर लेंगे। ये देखिए, लाइक टू सबमिट अ बिड टू एक्वायर गवर्नमेंट ओन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उसका रीज़न ये है कि वो SCI ने प्लान किया है कि वो उसको प्राइवेटाइजेशन करेंगे 60 से 65% तक का स्टेक बेच के। आप सभी को पता होगा कि बैंक्स में जैसे ही प्राइवेटाइजेशन की खबर आई है तो कैसे हमारे जो भी छोटे छोटे बैंक्स थे, यूको बैंक, IDBI बैंक और भी आप जितने इस टाइप के बैंक्स हमारे बचे थे, वो पंजाब एंड सिंध बैंक, सब में क्या गजब की बढ़ोतरी आई है। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है कि हमें आगे आने वाले दिनों में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी देखने को मिले। तो मोमेंटम कैप्चर के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का स्टॉक अगर मैं देखूं तो इसमें भी ठीक ठाक बढ़ावत, हमें ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये भी आज वीक मार्केट में भी करीब 3% अप था। अब अगर दोस्तों अगर मैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट देखूं तो ये देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी कॉन्सोलिडेट किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये 2-3 महीने से कॉन्सोलिडेट करने के बाद इसने आज जाके ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अगर मैं इसका ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं दोस्तों, तो ये जो ये वाला इसका एरिया है, एक बार दो बार, ये बहुत ही इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल अगर ये आपको मिले और आपको 102 रुपये के ऊपर मिले और वहाँ पे आप देखें कि हाँ अब इसमें अच्छा मोमेंटम हमें लग रहा है, तब फिर आप इसको खरीदने का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इस स्टॉक को हमें केवल मोमेंटम कैप्चर के लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्टॉक्स है तो उसमें वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें रहती नहीं है। अगर हमें इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए दोस्तों, उसकी बात कर लूँ तो दोस्तों स्टॉप लॉस और इसमें जो हम लगा के चल सकते हैं, थोड़ा सा मैं और शॉर्ट देखना चाहूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉप लॉस हमें 97 के नीचे लगा के चलना चाहिए, तो 96 के आसपास का स्टॉप लॉस सही रहेगा और 102 के ऊपर हमें इसे खरीदना चाहिए। टारगेट्स दोस्तों हम इसमें क्या लेके चल सकते हैं दोस्तों, तो अगर मैं इसमें फर्स्ट टारगेट लेके चलूँ तो 110 रुपये के आसपास का लेके चलूँगा, और अगर 110 का लेवल ब्रेक हुआ तो हो सकता है हमें उससे ज़्यादा के भी टारगेट्स देखने को मिल जाए। आइए दोस्तों अब हम इसमें और इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें वॉल्यूम को देखना चाहूँगा कि इतनी बढ़ोतरी के बाद इसमें क्या वॉल्यूम का कुछ इम्पैक्ट रहा कि नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इसमें वॉल्यूम देखूँ तो काफ़ी दिनों से आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी लो वॉल्यूम्स में ही ट्रेड हमारा हो रहा था पिछले 3 से 4 महीने में। यहाँ पे एक बार अच्छी वॉल्यूम हुई थी और फिर आज इसमें अच्छी वॉल्यूम में इसमें आज ट्रेडिंग हुई है, खासकर आखिरी के टाइम में। आखिरी के अगर आप देखेंगे 1 घंटे में तो इसमें गजब की वॉल्यूम का उछाल आया है, तो ऐसा देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि कि यहाँ पे ये फिर से अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करे और अगले दिन भी हमें 5 से 10% की राइज दे दे। अगर हम और इंडिकेटर्स की बात दोस्तों करें RSI की, ये मैं 3-month chart देख रहा हूँ, तो वो देखिए, क्योंकि आज एंड में इतनी भयंकर वॉल्यूम आई है तो RSI हमारा ओवरबॉट जोन में आ गया, तो हमें काफ़ी केयरफुल रह के और छोटे स्टॉप लॉस के संग ही इसको ट्रेड करना है। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड्स को देखूं, तो देखिए इसने अपने बॉलिंगर बैंड का जो ऊपर एरिया है उसको भी इसने तोड़ दिया है। तो ये स्टॉक ने क्योंकि इतना भयंकर ब्रेकआउट दिया है तो ये सारे ही इंडिकेटर से अभी ऊपर चल रहा है, जो कि सभी बता रहे हैं कि रिस्की जोन है, बट क्योंकि न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक भागा है, तो ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम हमें कल या देखने को, या मंडे तक हो सकता है मोमेंटम हमें कंटिन्यू करने को मिले। तो आप डिक्स टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में लेके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं मैजेगॉन डॉक की बात करूं, तो आप सभी को पता होगा स्टॉक अभी रिसेंट में ही IPO हुआ है, तो इसकी बहुत ज़्यादा कोई हमारे पास अभी चार्ट के माध्यम से डेटा नहीं है, बट हम अदर चीज़ें इसमें एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं दोस्तों, तो इनकी नेट प्रॉफिट ठीक रही है, कंपनी में कोई डेप्थ नहीं है जो कि अच्छी चीज़ है, बुक वैल्यू पर शेयर ओवरऑल बढ़ रही है, प्रमोटर प्लेस भी नहीं है। लेकिन वीकनेसेस देखूं तो जो उसमें पहला पॉइंट है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 2% से गिरा दी है, जो कि थोड़ा ख़तरनाक बात है। ROE शेयर का गिर रहा है और बहुत अच्छे से ये लोग फंड्स एसेट से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं।
लेकिन चार्ट क्या बता रहा है कि डिलीवरी परसेंटेज इस स्टॉक का बढ़ रहा है, मतलब लोग इस स्टॉक में भरोसा दिखा रहे हैं। और जो मेजर थ्रेट क्या है कि इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और उसके पहले इनकी शेयर प्राइस थोड़ी सी गिर रही है, तो ये थोड़ा सा मेजर थ्रेट भी हो सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये फंडामेंटली ठीक ठाक लेवल का स्टॉक लग रहा है, जिसको कि हम अभी के हिसाब से, हमको शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसको लेके चलना चाहिए ट्रेड पर्पज से। बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं ऐसे स्टॉक को सजेस्ट नहीं करूँगा। ये दोस्तों मैंने इसमें ट्रेंड लाइन बनाई है, तो अगर मैं ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट देखूँ तो वो ले रहा है, तो उस हिसाब से इसका जो सपोर्ट आना चाहिए वो इसी एरिया के आसपास 218-220 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। और ये स्टॉक में 50 डे के मूविंग एवरेजेस के आसपास भी सपोर्ट लेके चलता है। तो और यहाँ पे अगर मैं देखूँ थोड़ा शॉर्ट टर्म इसका चार्ट देखूँ दोस्तों 3 मंथ्स का, तो ये जो एरिया है 225, ये एक बार काफ़ी बार इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 6 बार 7 बार, और फिर तो अभी ये प्राइस करीब 219 के आसपास है। तो अगर ये स्टॉक आपको 225 रुपये के ऊपर मिले सस्टेन होता हुआ तभी खरीदिएगा, क्योंकि तब इसमें थोड़ा मोमेंटम आने की ज़्यादा उम्मीद रहेगी। और टारगेट हम इसमें 235 रुपये तक का लेके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में मैं अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि डेटा मेरे पास बहुत कम है। अगर मैं दोस्तों मैं इसमें अदर इंडिकेटर्स की बात करूँ, RSI मैं इसका देख लेता हूँ। RSI दोस्तों ये देखिए, एक टाइम ये स्टॉक ओवर सोल्ड जोन के आसपास था और अभी इसकी RSI सच ना ओवर बॉट जोन में है ना ओवर सोल्ड मोड में है। अगर मैं दोस्तों बॉलिंगर बैंड्स की बात करूं, ये मैं 3 मंथ्स का चार्ट देखा हूं, मैं आपको रिमाइंड करता हूं, ये अपने जो निचला एरिया है उससे थोड़ा सा ऊपर है और ये बीच का जो एरिया है उसी के आसपास है। तो मेरा मानना है जब ये इससे अपने ऊपर एरिया जो इसका 224 रुपये के ऊपर मिले तब आप इसको खरीदिएगा, क्योंकि तब ये अपने बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को तोड़ चुका होगा। अब मैं दोस्तों आइए MACD देख लेते हैं क्या कहता है। MACD देखिए दोस्तों, ये बता रहा है कि इसने जस्ट अपना ये बुलिश क्रॉसओवर जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों अगर फिर इसमें वही है जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस स्टॉक में आपको अगले सेशन में 2-3% की तेजी मिले तो फिर आप इस स्टॉक को खरीदने के बारे में फिर से सोच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।